विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सोमवार को चनक कोटद्वार के बेस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की और चिकित्सकों से मरीजों का हाल चाल जाना। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने बेस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक सुझाव और दिशा निर्देश दिए। ऋतु खंडूड़ी ने बेस अस्पताल के परिसर में साफ सफाई देखकर नाराजगी जताई और अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार लगाई। विधानसभा अध्यक्ष ने ओपीडी के बाहर लगी भीड़ को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को मरीजों को टोकन दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों को टोकन दिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। साथ ही मरीजों और उनके तीमार तारों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। निरीक्षण के दौरान बेस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित सभी मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। आज मैं बेस हॉस्पिटल आई थी देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ चीज़ें चल रही हैं, और मेरी सी एम एस साहब के साथ बात हुई और कुछ दो चार चीज़ें मैंने उन्हें सजेशंस दिए हैं कि उसको किस तरह से हम और जो स्वास्थ्य स्थिति है कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की, उसको हम कैसे और सुदृढ़ कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि सी एम एस साहब जल्द ही इस पर एक्शन लेकर तुरंत कार्रवाई करके स्थिति को और सुधारें।